है, मेरा 14 साल का लड़की है, ठीक है ना, हम थाना आके थक गया, आज मेरे लड़की को लाके रख दिया थाने में, लड़का गायब है। आज आसनसोल के हाटन रोड इलाके के कुछ लोगों ने आसनसोल दक्षिण थाने के सामने जीटी रोड पर जाम प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों में एक शामिल व्यक्ति ने बताया कि उनकी बेटी 11 मार्च के सुबह से ही लापता थी। इस बारे में आसनसोल साउथ थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया। इलाके में टीएमसी कार्यकर्ता के रूप में परिचित इस अभिव्यक्ति ने आरोप लगाया कि 48 नंबर वार्ड के टीएमसी पार्षद और नगर निगम के एमएमआईसी गुरदास चटर्जी के कहने पर पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही और उन्होंने उनकी बेटी को तलाश करने की कोई कोशिश नहीं की। इस व्यक्ति ने बताया कि आज उनकी बेटी को थाने लाया गया है, लेकिन उनकी 14 साल की नाबालिग बेटी को अगवा करने वाले युवक को भगा दिया गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इसमें गुरदास चटर्जी का हाथ भी है। इसी के खिलाफ आज इन लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और गुरदास चटर्जी के खिलाफ नारेबाजी की। घटना ये है, 4 दिन से मेरा लड़की लापता है, 11 तारीख से, और हम बार बार थाना आ रहे हैं। थाना में हर ऑफिसर मेरे को समझा रहा, अब आ जाएगी बच्ची, अब आ जाएगी, ठीक है। बहुत उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे, पैर पकड़ रहे, आप लोग का मेरा बच्ची को ला दीजिए। तो पुलिस अपना काम कर रहा है, पुलिस का कोई गलती नहीं है, पुलिस काम कर रहा है, मगर गुरुदास चटर्जी जो है रॉकेट दा आपका 47 नंबर वार्ड का, वो इन लोग का हाथ रोक लिया, शायद लड़की वाला से पैसा खा गया होगा। बस मेरे को यही इंसाफ चाहिए, मेरा 14 साल का लड़की है, आप लोग भी समझ सकते हैं, आप लोग भी एक बाप का बाप है, आप लोग भी एक, मेरे को बोलने बोल नहीं सक रहे हम, आप लोग भी एक बाप है, मेरा 14 साल का लड़की है, ठीक है ना, हम थाना आके थक गया, आज मेरे लड़की को लाके रख दिया थाने में, लड़का गायब है। लड़की हटन रोड का है, मेरा बेटी है, फातिमा परवीन नाम है, 11 तारीख से 3:30-4 बजे भोर से सब एफ आई आर कागज पूरा रोल है, हाथ है, खेल है, पूरा खेल है, पूरा गेम, पूरा गेम खेल रहा रॉकेट, पूरा गेम खेल रहा हूँ। 3 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का हुआ आयोजन, भव्य कलश यात्रा भी निकली। पश्चिम बंगाल आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 55 अंतर्गत कुमारपुर फुटबॉल मैदान में कुमारपुर युवक संघ द्वारा 3 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। कथा के प्रथम दिन इलाके से भव्य कलश यात्रा भी निकाली गई, जिस कलश यात्रा में इलाके की सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। इसके अलावा इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर तृणमूल के पूर्व पार्षद सह समाज सेवी रोहित नोनिया, विनोद साव, आकाश मुखर्जी, अक्षय सेन मुख्य रूप से उपस्थित थे। इसके अलावा इलाके के रंजीत बावरी, विवेक बावरी, शिवम बावरी, राहुल बावरी, सूरज सागर, सीखा नीलिमा, आशा फूलू, लखी ललिता, सागरिका व सीखा बावरी ने भी अपनी उपस्थिति निभाई। इस दौरान तृणमूल नेता सह समाज सेवी रोहित नोनिया ने कहा कि वह कुमारपुर युवक संघ को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने इस धार्मिक कार्यक्रम में उपस्थित होने का मौका प्रदान किया। साथ ही उन्होंने तृणमूल सुप्रीमो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व अभिषेक बनर्जी को भी कोटि कोटि नमन जताया कि उनकी वजह से आज वह इस मकाम पर है। शिल्पांचल के लोग उनको ऐसे सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में निमंत्रण देकर बुला रहे हैं, उनको इज्जत और सम्मान भी दे रहे हैं, जो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि वह हमेशा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व अभिषेक बनर्जी के छत्र छाया में रहकर तृणमूल का एक मामूली सिपाही बनकर कार्य करना चाहते हैं। दीदी और अभिषेक बनर्जी के निर्देश पर वह पार्टी व उनके हाथों को और भी मजबूत करने का पूरा प्रयास करेंगे, जिसे कि तृणमूल ही नहीं बल्कि माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व अभिषेक बनर्जी के नज़र में उनका इज्जत और सम्मान बना रहे।